नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए मैंने दो तीन क्वेश्चन छुड़वा दिए थे, बड़े बड़े और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे वो। तो आज हम उन क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे और एक नए नए टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8.4, के क्वेश्चन नंबर 5, का थर्ड पार्ट। ठीक है जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों किस किस तरीके से प्रूव करने के लिए आ सकता है, मैं बताता हूं आपको। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। एक तो ऐसे आ सकता है प्रूफ करने के लिए, और एक प्रूफ करने के लिए आ सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हम इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे, इसके बराबर प्रूफ करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, टेन में कॉट में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जब हमें इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई होते हुए ना दिखाई दे, तो हमने सीखा है कि हम इसे किस में चेंज करते हैं, साइन और कॉस में। हम इसे किस में चेंज करते हैं बच्चों, साइन में और कॉस में। ठीक है, तो आइए भाई, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जी बिल्कुल, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इससे साइन थीटा माइनस इसको इससे कॉस थीटा अपॉन नीचे को नीचे से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसको इससे कॉस थीटा इसको इससे माइनस साइन थीटा नीचे को नीचे से कॉस थीटा। अब आपको अच्छे से पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो पलट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे प्लस। इसके साथ भी ऐसा ही है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वाला फ्रैक्शन पलट के ऊपर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, अच्छा अब देखो, अब सबसे बड़ी बात, ये नीचे वाली जो पार्टी है, अगर आप ध्यान से देखो, क्या दोनों सेम लग रही है? जी बिल्कुल नहीं, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमें इनको सबसे पहले एक जैसा बनाना होगा, क्या करना होगा, एक जैसा बनाना होगा। तो एक जैसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक जैसा बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब माइनस हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली चीज प्लस में और प्लस वाली चीज किसमें हो जाती है बच्चों, माइनस में हो जाती है, किसमें हो जाती है, माइनस में। अब इस माइनस को बाहर निकाल दो, इस माइनस को बाहर निकाल दो, तो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब देखो भाई, ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा,
कोई बात नहीं जी, वन कॉमन निकालेंगे। नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा नीचे से क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। तो अंदर बचा क्या, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो वन अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ जी, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस क्यूब थीटा, अपॉन नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक आगे बच्चों, ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो चलेगी, ठीक है। अब अगर ऊपर वाले को देखोगे तो ऊपर वाला आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा लग रहा है, इसकी तरह लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना भाई, फॉर्मूला तो यही होता है इसका, इसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है यही होता है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ठीक है जी, लगाओ जरा फॉर्मूला। हाँ जी, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, टेन थीटा होगा, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा नहीं होगा, कॉट थीटा होगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, तो क्या होगा, ये देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बचा क्या, बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो, एक बार मेरे को ये प्रूफ करना है, एक बार मेरे को ये प्रूफ करना है, तो चलो दोनों को प्रूफ करते हैं। हाँ जी, पहले मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो बच्चों ये तो एक दूसरे से कट गया, बच गया वन, और वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस वन। देखो पहला पार्ट प्रूफ हो गया भाई, ठीक है, इनको आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा हिस्सा प्रूफ कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट, यहीं से शुरू करना है, वापस यहीं से शुरू करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये प्रूफ करने के लिए आए तो ऐसे करना है, और ये प्रूफ करने के लिए आए तो क्या करना है, इसी साइन थीटा कॉस थीटा को एक बार इसके नीचे रख लो और एक बार इसके नीचे रख लो और एक बार इसके नीचे, यानी सेपरेट सेपरेट कर दो, सबके नीचे सेपरेट सेपरेट कर दो भाई, ठीक है। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा गया, तो बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, बचा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस में यहाँ क्या बच गया, वन, तो साइन अपॉन कॉस टेन, कॉस अपॉन साइन कॉट, और प्लस में वन। क्या यही प्रूफ करना है, यस प्रूफ, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, चलो करो जरा इसको। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। नोट कीजिए इसको फटाफट, ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉस ए दिया हुआ है, मैं थीटा का इस्तेमाल कर रहा हूं, साइन ए दिया हुआ है, थीटा का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों? फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी करेंगे हम। अब देखिए, आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। बच्चों देखो, 1/2 का मतलब क्या हुआ कि भाई ये चीजें आ गई फ्रैक्शन में, और अगर लिखा हुआ 2/1 तो मतलब है ये भी एक तरह का फ्रैक्शन, लेकिन 2 अपने आप में एक नंबर, नेचुरल नंबर बना सकता है। तो मतलब सारी बात छोड़ो, हमें नेचुरल नंबर नहीं पढ़ना है, हमें यह पढ़ना है कि अगर नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं दिया होता, सॉरी बच्चों, हाँ, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं दिया होता तो वो अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। ये बात हमने सीख रखी है कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है? तो बस इतनी सी ही बात पता करनी थी हमें कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे भाई हमें डिजिट कितनी मिलेगी, 1, बाकी ऊपर कोई भी डिजिट है वो तो हमें शो कर ही रहा है, ठीक है? तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन में डिजिट जो है वो 1 के ऊपर है, ठीक है? जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है, 1। यानी इस क्वेश्चन में जो डिजिट है भाई वो क्या है, 1 के ऊपर है। तो हमें जो चेंजेस दिखाने हैं वो ऊपर वाले में दिखाने हैं, लेकिन उससे पहले करना क्या है कि हमें आंसर में चाहिए कॉसेक और कॉट, लेकिन यहां दिया हुआ हमें किस में है, साइन और कॉस में। अब यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम अपने कंसेप्ट को उल्टा करते हैं। क्या उल्टा करते हैं कि भाई हमें प्रूफ करना है कॉसेक और कॉट, और अब तक हम क्या कर रहे थे, जब कुछ भी समझ में नहीं आता था तो साइन कॉस में चेंज कर देते थे, लेकिन अब तो पहले से ही साइन कॉस में है। लेकिन यही एक लोता ऐसा क्वेश्चन है, एक लोता क्वेश्चन है जिसमें हम लोग भाई कॉसेक और कॉट है ना, तो हमें कॉसेक और कॉट ही बनाना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे कॉसेक को कॉट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे साइन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस अपॉन में साइन कॉट होता है। तो बस पूरे टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड को कर दो डिवाइडेड बाय किसके, डिवाइडेड बाय साइन थीटा की। तो सबको साइन थीटा से डिवाइड किया जाए, सबको साइन थीटा से डिवाइड किया जाए। सबको साइन थीटा से डिवाइड करो, ठीक है जी? चलो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा, साइन से साइन कट गया, 1, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस अपॉन में साइन कॉट थीटा, साइन से साइन कट गया, 1, 1 अपॉन में साइन थीटा कोसेक थीटा। अब क्या करो, कॉट को और कोसेक को एक साथ ले लो, माइनस, कॉट को और कोसेक को एक साथ ले लो, प्लस 1। अब मैंने क्या बताया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यानी 1 से ऊपर डिजिट दिखाई दे रही है, कहाँ 1 से कहाँ दिखाई दे रही है, ऊपर। तो अगर 1 से ऊपर दिखाई दे रही है तो ऊपर वाले 1 को चेंज करो, और 1 के नीचे डिजिट दिखाई दे रही है तो नीचे वाले को चेंज करो। तो अभी कैसे दिखाई दे रही है, 1 के ऊपर, तो हम ऊपर वाले 1 में कॉट और कॉसेक से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जी, 1 किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, याद है? कॉसेक और कॉट के टर्म में ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है, सही बात है बच्चों? अब जब ऐसा होता है तो हम आगे का काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको रखेंगे ऐसे कॉमन। तो ये होगा हमारा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस माइनस, ठीक है? इसको क्या रखेंगे, हाँ जी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, हाँ जी लग रहा है, तो बस ए माइनस बी, ए प्लस बी, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखो, यहां पे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा,
और यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या दोनों एक जैसे हो रहे हैं बच्चों? नहीं हो रहे, तो एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? इसमें से जबरदस्ती माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे भाई, जबरदस्ती माइनस कॉमन लेंगे। तो ये बनेगा, ये बनेगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस, माइनस कॉमन लो तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है जी। माइनस कॉमन लेंगे तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये तो भैया जैसा है वैसा ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जबरदस्ती सिर्फ इसके साथ की है, ठीक है। और नीचे क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस वन, ठीक है। अब ये माइनस बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये बन गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। हाँ जी, क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉट थीटा ये वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं की। हाँ जी, तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कॉमन। तो इस पूरे की जगह पे क्या बचेगा, वन, ये तो कॉमन निकल गया, बच क्या गया, कॉसेक थीटा प्लस क्या बच गया, कॉट थीटा, ये बच गया, ठीक। और अपॉन में क्या बचा बच्चों, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस में वन बच गया, क्या बच गया, प्लस में वन बच गया, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक नोट किया है, एक मिनट बच्चों नोट करो आप, ठीक है। क्या हो गया इसमें, एक मिनट बच्चों, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है बच्चों, ठीक है। वन,
प्लस में आना चाहिए था कॉमन, अगर मैं नीचे वाले को चेंज कर दूं बच्चों तो बनेगा ये cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस वन, और इसका बनेगा cosec स्क्वायर थीटा, यानी cosec थीटा, ठीक है, और ये cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये माइनस कॉमन। अच्छा, अब समझ में आए बच्चों, गलती देखो क्या हो रही है मेरे से, गलती ये हुई कि ये प्लस था, ठीक है, यहां मैंने माइनस यूज कर लिया, तभी मैं कहूँ गलती क्या हो रही है यार, गलती क्या हो रही है, अब समझ में आई ना बात, गलती क्या आ रही है, ठीक है, अब ठीक है बच्चों, यहां से गलती हुई है मेरे से, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मेरी मिस्टेक थी, एक छोटी सी गलती हुई थी बच्चों, बस एक छोटी सी गलती, और वो छोटी सी गलती क्या थी कि यहाँ पे बच्चों मुझे प्लस लेना था और मैंने क्या ले लिया, माइनस, ठीक है, ठीक, और कोई गलती नहीं है। अच्छा अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो बच्चों कॉमन आ रहा cot theta plus cosec theta plus cot theta, बात तो एक ही है प्लस में, तो निकाल लो कॉमन, हाँ भाई cosec theta plus cot theta कॉमन आ गया, हाँ जी, तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पे क्या छोड़ गया, वन माइनस, ये तो कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, माइनस का cosec theta, ये अंडर ब्रैकेट में cosec theta माइनस cot theta, ये बच गया भाई ब्रैकेट में, अपॉन क्या बच गया, cot theta माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, अब देखो क्या बनेगा, ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इतने तो आंसर आ गया, वो वही कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये हो गया माइनस का कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस का कॉट थीटा अपॉन, हाँ जी कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, अब देखो जरा ध्यान से देखो, हाँ जी कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा माइनस का कॉसेक थीटा माइनस का वन प्लस का वन प्लस का, इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या cosec थीटा प्लस cot थीटा, आंसर करो, तो फिर से समझ लो एक बार क्या करना है बच्चों, कि हमें अगर cosec और cot में आंसर चाहिए तो सबको पहले cosec cot में बदल दो, बदल दिया जी, सारे cot cosec को एक साथ ले लो, फिर अगर 1 के ऊपर वाला यानी ऊपर वाला चेंज करना है तो ऊपर वाले 1 में quad, ये आइडेंटिटी लगा दो, लगा के कॉमन निकाल लो, कॉमन निकल के सारा कट जाएगा और आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, ठीक है, फटाफट इसको नोट करो पहले आप, ठीक है, नोट करो, कर लिया होगा इसे नोट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर ये खत्म। सेम यही क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन बराबर वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। अब देखना बच्चों, ध्यान से देखना, अब देखो वन अपॉन में है ना, तो अब नीचे वाले वन में लगाएंगे, लेकिन प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा टेन थीटा, तो सबको पहले सेक और टेन में बदल दो, तो कैसे बदलेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और डिवाइडेड बाय किससे, जल्दी बता दो, कॉस थीटा से, क्यों, क्योंकि साइन के नीचे कॉस आएगा तभी टेन बनेगा, ठीक है, और वन के नीचे कॉस आएगा तभी सेक बनेगा, ठीक है जी, चलो कॉस से कॉस कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा, ये बनेगा माइनस वन, ये बनेगा सेक थीटा, इस तरह ये क्या बनेगा टेन थीटा, ये क्या बनेगा वन, ये क्या बनेगा सेक थीटा, अब क्या करो सबको साथ में ले लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये बनेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, नीचे चाहिए वन के नीचे चाहिए, तो जब वन के नीचे चाहिए तो नीचे वाले वन में आइडेंटिटी लगा दो, नीचे वाले वन में क्या लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो,
प्लस वन, ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, लगाओ फॉर्मूला, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। हाँ जी, यहां पे क्या करना, यहां से नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लो, या चलो छोड़ो नीचे वाले से मत लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, टेन थीटा माइन प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन, हाँ जी टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है प्लस। अब क्या करना है, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, क्यों ले लो माइनस कॉमन, क्योंकि यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा और यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो टेन थीटा प्लस का हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अंदर क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है जी, चलो तो क्या आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। टेन थीटा माइनस सेक थीटा, हाँ भाई प्लस माइनस माइनस, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो भाई ऊपर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, भाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले लो, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, वन माइनस, ये तो कॉमन निकल गया, बचा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बच गया भाई। ठीक है, ये बच गया हमारे पास, फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन, हाँ जी अब हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो नीचे वाले से भी क्या कॉमन ले लो, नीचे वाले से भी कॉमन ले लो, क्या भाई नीचे वाले से भी कॉमन ले लो माइनस, तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वन माइनस, वन माइनस भाई माइनस का सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, यही बनेगा ना। अब क्या करो भाई, मुझे प्लस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और माइनस का वन चाहिए, लेकिन यहाँ नीचे उल्टा है, वन है किसका, प्लस का, सेक है माइनस का, टेन है माइनस का, तो ये जो बाहर वाला माइनस है ना वो अंदर भेज दो, वो अंदर भेज दो, और अंदर भेजते ही वो क्या बन जाएगा बच्चों, अंदर भेजते ही सेक थीटा हो जाएगा, वो टेन थीटा हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का था, सेक थीटा था माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, और वन था माइनस, ये वन था प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो क्या ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम हो गई, जी बिल्कुल हो गई, तो इस वाले से ये पूरा कट जाएगा, आंसर आ गया वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या यही प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के ये तीन क्वेश्चन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और यही मुझे कराना था। ठीक है, इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अभी कुछ समय में, बीच में एक छोटे से माइनस की मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा बीच में अटपटा हो गया था, लेकिन अब ध्यान रखना बच्चों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर नीचे वाला हिस्सा चेंज करना है, सॉरी नीचे वाला आंसर लाना है तो नीचे वाले वन को चेंज करोगे, अगर ऊपर आंसर लाना है तो ऊपर वाले वन में आइडेंटिटी लगाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, बाय।